सो गाइस, तो अमीरों की पार्टी देखो, ये भी जितने पे भी लाइट बर रहा है, ये इस सब पे अभी पार्टी चल रहा है, फुल ऑन पार्टी चल रहा है इधर। ये इधर सब पे पार्टी चल रहा है, फुल ऑन पार्टी, फुल ऑन मस्ती। गाइस, तो ये देखो ताज होटल का इवनिंग टाइम, अभी बज रहा है 6:30 बज रहा है, और यह देखो कितना लाइटिंग इसका ऑन हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और सामने में ही है गेटवे ऑफ इंडिया, और ये रहा समुद्र, जो इवनिंग टाइम में देखने में कुछ और ही खासियत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और उधर शायद एलिफेंटा लैंड या आइसलैंड कुछ है उधर, तो उधर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इवनिंग का समय है। नेक्स्ट टाइम जब इधर आएंगे मॉर्निंग टाइम में, आई थिंक हमको 2 बजे आना पड़ेगा, तब उधर जाएंगे एलिफेंटा। उधर एलिफेंटा एक लैंड है जो उधर पहाड़ पे है, यहाँ से बोट के द्वारा उधर जाया जाता है। तो एग्जैक्टली नाम शायद मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो उधर जाना है लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो फिलहाल अभी इवनिंग में ये देखो ताज होटल कितना मस्त लग रहा है देखने में, लाइटिंग लगा हुआ है, और ये रूपक रहा। और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ टिकटॉक वीडियो बना रहे थे, तो आई होप अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए टिकटॉक पे हमें फॉलो कीजिए और वीडियो को देखिए। तो ये अभी का जो मौसम है कितना मस्त लग रहा है देखने में, और भी यहाँ पे चलते हैं और भी देखते हैं कितना खूबसूरत मौसम है, क्योंकि शाम में देखने में और कुछ खास ही बात है। मुंबई का वेदर बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा सा ठंडी और थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। वैसे दिन में गर्मी लगता है और मॉर्निंग टू इवनिंग थोड़ा थोड़ा ठंडी लगता है, यानी कूल मौसम है। अभी हम जस्ट ताज होटल से थोड़ा दूर इधर आए हैं, सो ये इस साइड उसके इस साइड आए हैं, और देखिए इधर का लोकेशन कितना मस्त है यार देखने में, मतलब यहाँ बैठने के लिए है और रिलैक्स करने के लिए है, और प्लस में यहाँ से व्यूज आ रहा है ना, मतलब ऑसम व्यू आ रहा है। और इधर देखो ये भी एकदम मस्त लग रहा है देखने में, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, मतलब माशाल्लाह व्हाट अ व्यू, गजब का व्यू आ रहा है। ऐसा अगर रूम में उठे सुबह और ऐसा व्यू देखने को मिले, वाह मज़ा आ जाएगा देखने में, ऐसा लोकेशन होता लोकेशन देखो तो मस्त। इस जगह का नाम क्या है, हरित मुंबई, सुंदर मुंबई, अच्छा वो नाम नहीं है, ये ऐसे लिखा गया है इसको बनाने के लिए। इधर शायद चॉपर लैंडिंग होता है यहाँ पे, शायद अभी कुछ देर पहले आया था, जब तक हम लोग इधर आए तब तक वो लैंड हो गया। अभी मैं जिधर था नहीं बोल रहे थे कि चॉपर वहाँ पे लैंड किया है, देखो अभी वहाँ से उड़ा है, ये देखो ये दिख रहा है, अभी जैसे हम उधर से आ गए तो वो उड़ रहा है, वहाँ पे थे तो नहीं जा रहा था। तो अभी टाइम हो रहा है कितना हो गया, हाँ 7 बज रहा है, और अभी भी हम इधर ही है, और जस्ट अभी हम लोग उधर से घूम के आए हैं, उधर हर जगह फॉरनर ही हमको मिल रहा है, जिधर जा रहे उधर फॉरनर सभी मिल रहा है, जैसे लग रहा है हम इंडिया में नहीं कहीं बाहर आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि सब वही सब दिख रहा है इधर, ये चारों तरफ वही सब दिख रहा है। और एक का तो ड्रेस ऐसा था कि अचानक से मेरे सामने में आ गया और मैं ऐसे हो गया, हम लोग यार क्या है, फिर थोड़ा देर के बाद दिमाग ठीक हुआ, मतलब कुछ अजीबोगरीब टाइप का ड्रेस वो सब जो पहनते हैं ना भाई, कभी किसी को ऊपर ना पहुँचा दे। सो गाइज, तो अभी हम लिए हैं, इसको बोलते हैं, ये देख सकते हैं सिंगदाना, जो कि 10 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, यहीं पे बिक रहा है, इधर देखो तो क्या इधर बिक रहा है, यहाँ पर
बस यहीं पे बिक रहा है और ये 10 रुपये का है, बस इतना ही। चलो खा के देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है बट बहुत कम है। रुपये को दे के नहीं दिया, खा लेते हमें, दे नहीं दे, थोड़ा खा लो और बाद में खा। सो आप लोग जो देख रहे हैं अभी, मैं बस का यह सीन आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं ये बस में ये फॉरेनर सब है यार। इसको रियल में देखने में ऐसा लगता है ना यार, इसकी पर्सनैलिटी प्रीमियम फील होता है यार, गजब। वाह क्या पर्सनैलिटी इस सब का रहता है, मतलब वाह। अभी एंट्री करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया में, देखते हैं नाइट में कैसा लगता है देखने में। तो ये एंट्री अभी ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि नाइट का ये नज़ारा है, नाइट में ऐसा दिखता है। सो ये देख लो, और ये रहा बगल में ताज होटल, ये भी नाइट में इतना, मतलब नाइट में देखने का कुछ मज़ा है और भी अच्छा लगता है देखने में। डे के मुताबिक उसमें तो वो ओरिजिनल लाइट होता और ये बल्ब वाला लाइट, तो दोनों का अपना अपना मज़ा है। तो ये रहा नाइट का नज़ारा, तो कैसा लगा तुमको, कैसा लगा? अच्छा। फीलिंग कूल, क्योंकि अभी ठंडा लग रहा है, हवा हवा चल रही है ना, समुद्र साइड में तो हवा तो लगेगी, तो ठंडा लग रहा है अभी। Thank you.